आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटपटी लौकी की सब्जी। इसे मैंने आज कुकर में बनाकर तैयार की हूँ। अगर आपको भी लौकी खाना पसंद है तो मेरे इस तरीके से एक बार लौकी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्जी बनाने के लिए कुकर को सबसे पहले मैंने गरम कर ली हूँ। जब कुकर गरम हो गया तो इसमें मैं सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दी हूँ, लगभग 5 से 6 छोटा चम्मच डाली हूँ। तेल अच्छे से गरम हो गया तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दी हूँ और यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना डाली हूँ। मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें अब हम 2 प्याज लिए थे और उसको इस तरह से काट लिए हैं, तो प्याज को डाल देना है और प्याज को हमें 2 से 2.5 मिनट भून लेना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम कर देना है गैस का और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए प्याज को अच्छे से भून लेना है। जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे। तो यहाँ पर प्याज भी हमारा भून गया है तो मैंने 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो उसे क्रश कर ली हूँ। अब इसे भी हमें प्याज के साथ लगभग 1 से 1.5 मिनट भून लेना है ताकि सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो यहाँ पर लहसुन, प्याज और अदरक हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने धनिया पाउडर डाली हूँ और 1 चम्मच से थोड़ा सा ही कम मिर्ची पाउडर डाली हूँ और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। तो मसाले आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 kg लौकी बना रही हूँ, उसके हिसाब से इसमें मसाला डाली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ताकि मसाला हमारा जले ना। और मसाला डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। धीमी आँच पर मसाले को थोड़ी देर हमें भून लेना है। तो इसे लगभग 2 से 2.5 मिनट मैं इस तरह से चलाते हुए भून लूँगी। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो ये देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। कुकर में सही से रोशनी नहीं जा रही है तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। अब यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। टमाटर आप चाहे तो पीस कर भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैं बड़े बड़े टुकड़ों में इसे काट के ही डाली हूँ। अब टमाटर को हल्का सा भुनी हूँ 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डालती हूँ 20 से 25 करी के पत्ते। करी के पत्ते मैं बाद में ही डालती हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छे से बने रहे। अब टमाटर को देखिए इस तरह से हल्का सा भुनी हूँ, टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है। और अब इसमें हम डाल देंगे लौकी। तो 1 kg लौकी ली थी, उसे अच्छे से छील कर धोकर और इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काटी हूँ। ज़्यादा पतले काटेंगे तो फिर वो गल जाएंगे, तो इसलिए इस तरह से ही काटें और इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना है। अब मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए भून लेना है ताकि मसाले लौकी के अंदर अच्छे से चले जाए और हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो मैंने ढककर लगभग 2 मिनट सब्जी को भून ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से भून गया है, लौकी हमारी नरम भी हो गई है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर भूनी थी और 2 मिनट के लिए लगातार नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल जाएगी, आपको बीच बीच में चलाते भी रहना है। तो अब यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी रखनी है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें पानी रखना है इसलिए मैं इतना डाली हूँ। अगर आपको नहीं रखना है ग्रेवी तो आप पानी कम डाल सकते हैं, 1 कप के आसपास। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल दी हूँ और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाली हूँ। अब अच्छे से नमक और गर्म मसाला को मिक्स कर लीजिए। अब कुकर का ढक्कन बंद करके और सब्जी में 2 सीटी लगानी है। तो 1 सीटी तेज आंच पर लगाना है, इसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है, धीमी आंच पर 1 सीटी और लगा लेना है। तो सब्जी जब मेरी तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 सीटी लगा ली हूँ, अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट मेरी सब्जी बनकर तैयार हुई थी। इस सब्जी को आप रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चावल में खाना है तो थोड़ा सा ग्रेवी रखें और रोटी में खाना है तो इसमें जो ग्रेवी है उसे आप सुखा सकते हैं या फिर कम पानी डाल सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये लौकी की सब्जी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।